पर्सन्स, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स, मीडिया बंधुओं एवं मेरे युवा साथियों, आप सबका भी आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस हॉल के बाहर अभी हमने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इस टैगलाइन के अंतर्गत जो प्रदर्शनी देखी है उसमें संविधान से जुड़े हुए सभी विषयों के बारे में तो पता चलता ही है, साथ में यह भी पता चलता है कि हमारा संविधान सबसे खूबसूरत किताबों में से एक है। इसमें जो अद्भुत आर्ट वर्क है उससे पता चलता है कि भारतीय संविधान न केवल शासन का आधार है बल्कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक विरासत और कलात्मक धरोहर का भी एक अद्वितीय प्रतीक है। इस आर्ट वर्क को नंदलाल बोस, जिन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर और शांति निकेतन के मार्गदर्शन में अपनी पूरी टीम के साथ सुसज्जित किया है, उन सभी के प्रति भी आज हम सम्मान पूर्वक उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। इसके अंदर जो बहुत सुंदर कैलीग्राफी करी गई है वो श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, जिन्होंने इंग्लिश वर्षन की कैलीग्राफी करी, और इसी तरह जो हिंदी वर्षन है उसकी कैलीग्राफी श्री बसंत कृष्ण वैद्य जी ने करी है। हम सब लोग जानते हैं कि संविधान सभा या कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके चेयरमैन थे। इसके तहत 22 समितियां 22 कमेटीज विभिन्न विषयों पर काम कर रही थी और उनका उद्देश्य था कि भारत के संविधान को तैयार करना। उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीम राम जी अंबेडकर, जिनको हम अपने संविधान का शिल्पकार, मेन आर्किटेक्ट, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आज हम बाबा भीमराव राम जी अंबेडकर के प्रति भी अपने स्मरण के द्वारा उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। यह केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। यह उन मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, जो अब बढ़कर 448 हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां और वर्तमान में 106 संशोधन शामिल हैं। संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 डिस्कशंस के बाद 2000 के करीब अमेंडमेंट्स इसमें करी गई थी। भारतीय संविधान ने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न तत्व लिए हैं, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, अमरीकी संविधान से मौलिक अधिकार, ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, और इसी तरह से आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 कंट्रीज के संविधान को स्टडी करने के बाद उनको देश अनुकूल बनाते हुए इन सभी को समाहित किया गया। और सबसे बड़ी बात अभी हमने जो प्रदर्शनी में देखी कि हमारी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत थी उसकी मूल भावना को इसके अंदर सहेजते हुए ये सभी चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे,
जो भारत की विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। सभा में सुचेता कृपलानी